नीट यूजी और यूजीसी नेट परीक्षा धांधली को लेकर देशभर में लगातार विरोध देखने को मिल रहा है। ऐसे में नीट पीजी परीक्षा 2024 को भी स्थगित कर दिया गया है, जिसके बाद एक और बड़ा बवाल खड़ा हो गया है, जिस पर बोलते हुए यूनाइटेड डॉक्टर्स फ्रंट एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर लक्ष्य मित्तल ने एनटीए पर निशाना साधा है। नीट पीजी के एग्जाम को जो कंडक्ट करवा रहा है, नीट यूजी के जो एग्जाम को कंडक्ट करवा रहा था एनटीए, सब पे सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, तत्काल प्रभाव से होनी चाहिए। 10 घंटे पहले कोई एग्जाम कैंसिल होते सुना है, ये इंडिया पे, भारत पे एक धब्बा लग रहा है। देश में पेपर लीक मामले को लेकर मचे घमासान के बीच शनिवार को नीट पीजी परीक्षा 2024 को भी स्थगित कर दिया गया। इस परीक्षा का आयोजन 23 जून 2024 यानी की आज होना था, लेकिन एग्जाम से ठीक एक दिन पहले सरकार ने स्टूडेंट्स को बड़ा झटका देते हुए परीक्षा को स्थगित कर दिया। परीक्षा स्थगित होने की जानकारी नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन की ओर से दी गई। बता दें, इस परीक्षा का आयोजन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की ओर से कराया जाता है। इस एग्जाम में बैठने वाले हर स्टूडेंट्स के मन में यही सवाल कौंध रहा है कि आखिर पेपर से ठीक एक रात पहले इसे स्थगित क्यों कर दिया गया। NBEMS की ओर से जारी आधिकारिक बयान में कहा गया था कि परीक्षा को स्थगित करने का फैसला सरकार द्वारा छात्रों के सर्वोत्तम हित को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। इस फैसले से परीक्षा प्रक्रिया की पवित्रता बनाए रखने की कोशिश की गई है। हालांकि स्वास्थ्य मंत्रालय ने पेपर स्थगित होने की वजह से छात्रों को होने वाली असुविधा के लिए खेद जताया है। वहीं यूनाइटेड डॉक्टर्स फ्रंट एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर लक्ष्य मित्तल ने नीट पीजी परीक्षा स्थगित होने पर कहा कि ये नीट यूजी के बाद एक और घोटाला है। अभ्यर्थियों ने राज्यों में यात्रा की है और निर्धारित समय से 10 घंटे पहले परीक्षा रद्द करना डॉक्टरों की भावनाओं के साथ खेलने से कम नहीं है। नीट पीजी और नीट यूजी दोनों के संचालन अधिकारियों की जांच की जानी चाहिए। भारत की चिकित्सा शिक्षा व्यवस्था नष्ट हो गई है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की तरफ से एक प्रेस रिलीज आया है, जिसमें कि नीट पीजी 2024 का जो एग्ज़ाम था, जो कि कल होने वाला है और 8 बजे सुबह रिपोर्टिंग टाइम था, 9 से 12:30 बजे का टाइमिंग था और वो एग्ज़ाम को पोस्टपोन कर दिया गया है। उस प्रेस रिलीज में उन्होंने मेंशन किया है कि इसकी इंटीग्रिटी को, एग्ज़ाम की इंटीग्रिटी को और सेंसिटी को देखते हुए एग्ज़ाम को पोस्टपोन किया जाता है। एट द लास्ट मोमेंट 10 घंटे पहले एग्ज़ाम से एग्ज़ाम को पोस्टपोन किया जा रहा है। मतलब ये बहुत ही एक नीट यूजी के बाद एक नया स्कैम, नीट यूजी का स्कैम हुआ। इसका मतलब सरकार को ये पूरा भरोसा था कि एग्ज़ाम पेपर लीक हुआ ही है। पहले नीट यूजी का एग्ज़ाम लीक हुआ, उसके बाद भी अभी तक सरकार ये काम चली रही है। उसके बाद नीट पीजी जो कि डॉक्टर्स का एग्ज़ाम है, 2 लाख MBBS डॉक्टर्स इस एग्ज़ाम को देने वाले हैं नीट पीजी को, इतना बड़ा एग्ज़ाम है ये, 10 घंटे पहले लोग कहां सेंटर से 500 किलोमीटर कोई कहां से दूर से आया हुआ है, जो डॉक्टर्स हैं उनके साथ पूरा खिलवाड़ किया जा रहा है, ये उनकी हेल्थ के साथ मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है ये सरकार के द्वारा। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एज वेल एज मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन सभी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, ये कोई तरीका नहीं होता। एट द लास्ट मोमेंट पे उन्होंने ये बोल दिया, जवाब दे दिया कि इंटीग्रिटी देखते हुए एग्ज़ाम को पोस्टपोन किया जा रहा है। उन स्टूडेंट्स का हम सरकार से यही अनुरोध करते हैं, इस पर सख्त से सख्त कदम उठाए। नीट पीजी के एग्ज़ाम को जो कंडक्ट करवा रहा है, नीट यूजी के जो एग्ज़ाम को कंडक्ट करवा रहा था एनटीए, सब पे सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, तत्काल प्रभाव से होनी चाहिए, तभी मेडिकल एजुकेशन सिस्टम जो भारत का पूरी तरह से विफल हो चुका है, ख़त्म हो चुका है, मैं कहूँगा बर्बाद हो चुका है, वो तभी वापस रीबिल्ड होगा, तभी वापस उसमें जो ट्रस्ट है स्टूडेंट्स में वो वापस आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पब्लिक खबर। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें इंडिया पब्लिक खबर के साथ।